ओके गाइस, सो दिस इज हितेश त्रिपाठी एंड दिस इज जस्ट अ नेक्स्ट वीडियो इन आवर सीरीज विच इज ग्राफ थ्योरी. ओके, एंड इन ग्राफ थ्योरी सीरीज वी विल सी नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज विच इज BFS. सो हमने BFS पढ़ लिया था. ओके, DFS एंड इट्स एप्लीकेशंस वर कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट वी वर लर्निंग BFS. सो मैंने नॉर्मल BFS बता दिया था क्या होता है. फॉर दैट इफ यू वॉन्ट टू सी अगेन यू कैन गो टू दिस वीडियो एंड नाउ वी विल सी अ गुड क्वेश्चन ऑफ BFS एंड इट इज़ रियली अ गुड क्वेश्चन. सो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. लेबिरिंथ फ्रॉम CACS प्रॉब्लम सेट एंड आई एम ऑल्सो पुटिंग लिंक ऑफ दिस क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्शन. सो फर्स्टली पॉज हेयर दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड अगर आपसे नहीं होता देन यू कैन सी दिस वीडियो. ओके ओके, सो वॉट वी आर हैविंग हेयर इज अ मैप ऑफ लेबरिंथ एंड योर टास्क इज टू फाइंड अ पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. यू कैन वॉक लेफ्ट राइट अप एंड डाउन. अ मैप ऑफ लेबरिंथ मीन्स हमारे पास ये कुछ एरे कैरेक्टर एरे कैरेक्टर 2D एरे. ओके, इन दिस हैश टैग्स दीज हैश टैग्स आर जस्ट वॉल्स. ओके, दीज डॉट्स आर फ्लोर. दिस ए इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस बी इज एंडिंग पॉइंट. ओके फाइन, नाउ वी हैव टू टेल अ पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट. ओके, एंड इन आउटपुट वी हैव टू प्रिंट येस, देन प्रिंट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सच पाथ एंड इट्स डिस्क्रिप्शन एज अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स LRUD. ओके ओके, सो जब हम जहाँ जहाँ चलेंगे वहाँ पे लेफ्ट राइट डाउन अप देना है. ठीक है, सो सिंपली यू कैन सी हेयर यहाँ पे नॉर्मली पाथ दिख रहा है हमें. पहले लेफ्ट, फिर डाउन डाउन, राइट 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 राइट, फिर अप. ओके, सो नॉर्मली समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को देखने के साथ कि ऑब्वियसली वी विल डू BFS इन दिस क्वेश्चन. ओके, हाउ हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे. स्टार्टिंग पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि उस स्टार्टिंग पॉइंट को पेरेंट बनाएंगे हम. ठीक है, फिर पेरेंट में हम क्या चेक करेंगे नॉर्मली कि उसके किस किस चाइल्ड पे हम जा सकते हैं. ठीक है, और से वी कैन गो टू लेफ्ट चाइल्ड. ओके, ओनली लेफ्ट चाइल्ड पे जा सकते हैं. फिर लेफ्ट चाइल्ड को पेरेंट बनाएंगे और पेरेंट से फिर चेक करेंगे. ठीक है फाइन, इतना हम कर लेंगे. नाउ मेन थिंग इज कि वी कैन फाइंड आउट कि हम पहुंच सकते हैं बी में ए से कि नहीं, येस और नो. ओके, मेन प्रॉब्लम इज हाउ वी विल फाइंड आउट द पाथ, बिकॉज एक पेरेंट से हम क्या कर सकते हैं, हम लेफ्ट राइट डाउन और अप चारों पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो हाउ विल बी वी विल नो कि हम एक लेफ्ट से वी कैन गो टू राइट ओनली. लाइक हम एक लेफ्ट से एक पेरेंट से लेफ्ट जाएं कि राइट जाएं कि अप जाएं कि बॉटम जाएं, एंड उस पे जाने पे फिर हमें अपना नेक्स्ट मेन पाथ मिले जिससे हम बी तक पहुंचेंगे. सो मेन प्रॉब्लम इज दिस. सो इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हाट वी विल डू, वी सिंपली बैक ट्रैक द पाथ. ओके, दैट्स वाई आई वॉज सेइंग कि इट इज़ अ गुड क्वेश्चन. ओके फाइन, वी सिंपली बैक ट्रैक द पाथ. हम क्या करते हैं, हम ऑब्वियसली क्या करेंगे, हम एक पेरेंट है. ठीक है, और पेरेंट से हम किसी चाइल्ड पे आएंगे. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन हेयर. ठीक है ओके, सम वी कैन से दैट दिस इज पेरेंट एंड फ्रॉम पेरेंट वी आर कमिंग टू अ चाइल्ड. ओके फाइन, सो वॉट वी विल डू इज फॉर ईच चाइल्ड, ओके, वी विल स्टोर इट्स पेरेंट एंड उस पेरेंट से हम चाइल्ड पे आए कैसे हैं वो पाथ. लेट से हेयर यू कैन सी दैट हम इस चाइल्ड पे डाउन फॉलो करके आए. ठीक है, तो हमने पेरेंट और ये पाथ स्टोर करवा लिया. लेट से ये ए है. ठीक है फाइन, तो पेरेंट क्या हो गया, ए. अब नाउ ऐसा कुछ चलते चलते क्या होगा, हम कहाँ पहुँचेंगे, बी पे. ओके,
और यहाँ तक आने पे हमारे जितने भी चाइल्ड्स मिलेंगे उन सब का हमारे पास क्या होगा, एक पेरेंट होगा और एक वो पाथ होगा जिसको हम फॉलो करके आए, इधर लेफ्ट राइट अप और डाउन, ओके, इन चारों में से कोई एक होगा, ठीक है, फॉर एवरी चाइल्ड। नाउ वी फॉर बैक ट्रैकिंग व्हाट वी विल सिंपली डू इज फ्रॉम बी वी विल चेक दैट जो इसका पेरेंट है, ठीक है, इसका जो पेरेंट है हमारे पास, इसका भी क्या होगा, हमारे पास बी है, बी अपने पेरेंट का चाइल्ड होगा, ओके, सो हमारे पास बी का भी क्या होगा, पेरेंट होगा, और लेट्स से कि हम इस पे आए राइट पे, ठीक है, राइट पाथ, ऑब्वियसली इसके पेरेंट से लेट्स से कि हम राइट पे गए हैं फिर हम बी पे आए, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग में बी का पेरेंट स्टोर करवा देंगे, बी का पेरेंट पी है, ठीक है, फाइन। अब इस पे हम कहाँ से आए हैं, इस पे हम इसके पेरेंट से आए होंगे, उस पेरेंट ऑब्वियसली ये लेट से, ठीक है, इससे आए हैं हम, ठीक है, और इसके पेरेंट से इस पे आने पे हमने पाथ क्या फॉलो किया, ऑब्वियसली वी हैव दैट ऑल्सो, तो वॉट वी विल सिंपली डू इज वी विल अगेन एड दिस इन अवर स्ट्रिंग एंड एट लास्ट वॉट वी विल बी हैविंग इज ए तक पहुँचने का पाथ होगा, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, बी से ए जाने का पाथ होगा, ठीक है, फाइन। एंड आफ्टर दैट वॉट वी विल सिंपली डू इज रिवर्स द स्ट्रिंग, और जैसे ही हम रिवर्स कर देंगे स्ट्रिंग को तो हमारे पास ए से बी का पाथ हो जाएगा एंड द सेम इज आवर आउटपुट, ओके। तो आई होप कि आपको इम्प्लीमेंटेशन इस BFS की और नॉर्मल बैक ट्रैकिंग समझ में आ गई होगी एंड नाउ वी विल सी द कोड ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, सॉरी, ओके, सो सिंपली वी हैव टेकन द साइज इन इनपुट, देन ये जो है मैं अभी जो कोड मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है, उसका यूज़ मैं अभी बताऊँगा। नाउ सिंपली टेकन एन क्रॉस एम 2D वेक्टर, देन एक विजिटेड एरे बनाई हमने, ठीक है, इनिशियली सबको जीरो किया, फिर एक पेयर स्टार्ट लिया हमने, ठीक है, पेयर स्टार्ट का मीन्स ऑब्वियसली जो हमारा ए है जहाँ पर वो वाला इंडेक्स लिया, फाइन। नाउ हमने पूरी 2D वेक्टर का इनपुट लिया, देन स्टार्ट में हमने अपना वो वाला इंडेक्स डाल दिया आई जे जहाँ पर हमारा ए था। नाउ वी हैव टेकन लिस्ट ऑफ पेयर और यू कैन ऑल्सो टेक क्यू ऑफ पेयर, ओके, BFS के लिए हमें क्यू लेना पड़ता है, बट इन लिस्ट ऑल्सो वी हैव पॉपिंग एंड पुशिंग ऑपरेशन फ्रॉम फ्रंट एंड लास्ट, ओके, सो आई हैव टेकन लिस्ट एंड ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना था फर्स्ट ट्राई में, ओके, सो आई हैव ऑल्सो टेकन हिंट फ्रॉम समवेयर, ओके ओके। नाउ एंड ऑब्वियसली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, सो विजिटेड ऑफ स्टार्ट को मैंने ट्रू कर दिया, देन स्टार्ट को मैंने अपने क्यू में और लिस्ट में पुश कर दिया, ठीक है, ऑब्वियसली जो BFS में हम करते हैं। नाउ आई हैव मेड अ मैप ऑफ पेरेंट हेयर, इन पेरेंट ऑब्वियसली वॉट वी विल स्टोर इज पेयर, किसका पेरेंट है ये, ठीक है, की क्या होगी हमारी, चाइल्ड, ऑब्वियसली हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, हर चाइल्ड का पेरेंट और उसका पाथ, ठीक है, तो की इज फॉर चाइल्ड, देन दिस पेयर इज फॉर पाथ एंड पेरेंट, पेरेंट के लिए ये वाला पेयर एंड देन पाथ के लिए कैरेक्टर नॉर्मल, ओके। नाउ हमने BFS इम्प्लीमेंट किया अपना, ठीक है, नाउ क्यू डॉट फ्रंट एस में लिया, ठीक है, फिर ए और बी में हमने दोनों इंडेक्स डाले आई और जे की वैल्यू, नाउ और क्यू से पॉप कर दिया फ्रंट वाला एलिमेंट। अब ये क्या है, रो और कॉलम, इसको अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। नाउ इन दिस इफ स्टेटमेंट वन बाय वन आई एम टेलिंग व्हाट वी आर चेकिंग, फर्स्टली वैलिड ए प्लस आई बी प्लस जे, व्हाट इज वैलिड यू कैन चेक हेयर, ओके, वी आर जस्ट चेकिंग कि जो रो और कॉलम हम अभी ट्राई कर रहे हैं, लेट से
एट एनी केस आप क्या करते हो, आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, एंड वाले कॉलम पे आते हो या एंड वाली रो पे आते हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या करोगे, आप किसी इस पे हो, ठीक है, फाइन, आप अभी इस पे हो, ठीक है, आप क्या करोगे, आप नॉर्मली इसका ये चेक करोगे, लेफ्ट राइट अप और डाउन, ओके, और चारों में आप डॉट चेक करोगे, ठीक है, और नॉर्मली अगर डॉट आपको मिलता तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली पाथ अपडेट कर दोगे, ठीक है, तो फ्रॉम वैलिड फंक्शन वी आर ओनली चेकिंग कि वो उसके रेंज पे है कि नहीं, ठीक है, कैन सी अगेन, रो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन एन एंड कॉलम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन एम, ओके, तो रेंज चेक कर रहे हैं, देन एब्सोल्यूट ऑफ आई जे वी आर चेकिंग कि हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ आई जे कहीं इसका डायगोनल एलिमेंट ना हो जाए, ठीक है, और रो और कॉलम में क्या है, 1 -1 0 1 0 0 1 -1, तो सिंपली हम BFS में क्या करते हैं, नॉर्मल ये एरे ले लेते हैं, ठीक है, इस रो और कॉलम की एरे को लेने का मतलब है कि हम किसी एक एलिमेंट पे हैं, ठीक है, हम उसके 8 एलिमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, आठों कॉर्नर, जो कि क्या होंगे, फर्स्ट तो लेफ्ट राइट अप डाउन होंगे और दो उसके ये डायगोनल एलिमेंट्स, चार, ठीक है, तो ये आठों एलिमेंट बनाए और वो आई जे से इटरेट किए, ठीक है, एंड ऑब्वियसली हमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं चाहिए तो हमने ये वाली कंडीशन डाली कि आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए, नेक्स्ट ऑब्वियसली विजिटेड नहीं होना चाहिए, ए ऑफ आई, ए प्लस आई एंड बी जे, एंड देन उसमें से कोई भी या तो बी हो या डॉट हो, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अपना कैरेक्टर अपडेट किया, ठीक है, कि हमें कहाँ पे चलना पड़ रहा है, डाउन अप या राइट या लेफ्ट, ठीक है, देन सिंपली वी स्टोर्ड पेरेंट मैप में हमने क्या स्टोर किया, मेक पेयर ए प्लस आई बी प्लस जे, ये हमारा चाइल्ड है जिसके लिए अभी हमने चेक किया है, ए प्लस आई बी प्लस जे, और उसका पेरेंट अपडेट कर दिया हमने, विच विल बी नॉर्मली ए बी, और उसका पाथ क्या फॉलो किया हमने, सी कैरेक्टर जो हमने यहाँ पे अपडेट किया था, ठीक है, फाइन, नाउ अब कहीं पर भी अगर हमें जो हमारा एलिमेंट है, हमने जो ट्रैक किया है वो बी मिला, इट मीन्स कि हमारा पाथ जो था हमें एंड पॉइंट मिल गया, ठीक है, इन दिस एंड पॉइंट वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द रिजल्ट, ओके, तो रिजल्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा ए प्लस आई और बी प्लस जे है ये एंड पॉइंट है, ठीक है, रिजल्ट इज स्ट्रिंग ली हमने, देन दिस लूप इज़ फॉर बैक ट्रैकिंग, ओके, हमने सिंपली क्या किया, पेरेंट मैप से हमने उसका पहले पाथ निकाला, पेरेंट ऑफ एंड डॉट एस एस, ओके, तो ऑब्वियसली जो पेरेंट का लास्ट एंड होगा उसका जो सेकेंड कैरेक्टर होगा वो हमारा पाथ होगा, ठीक है, तो हमने उसको रिजल्ट स्ट्रिंग में प्लस कर दिया और एंड को सिंपली किसके इक्वल बना दिया, उसके पेरेंट के इक्वल, सिंस वी आर बैक ट्रैकिंग, ओके, एंड जब भी हमारा जो एंड है वो स्टार्ट के इक्वल हो जाता है, ऑब्वियसली जब हम बैक ट्रैक बी से करते करते जब हम ए पे आ जाएंगे, स्टार्ट पे हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो जब भी हमारा एंड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्टार्ट के फर्स्ट के और एंड के सेकेंड स्टार्ट के सेकेंड के इक्वल हो जाता है, हम वहीं पर ब्रेक कर देंगे, देन हमने बी से ए का पाथ अपने रिजल्ट में स्टोर करवा लिया है, फॉर ए टू बी वी विल सिंपली रिवर्स द स्ट्रिंग, वी विल आउटपुट येस सिंस वी हैव फाइंडेड द पाथ, देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग, एंड इफ वो कैरेक्टर डॉट है और इफ वो कैरेक्टर बी नहीं है डॉट है, तो वी विल सिंपली मार्क इट विजिटेड एंड वी विल पुश इट इन अवर क्यू, ओके, क्यू और लिस्ट, एंड ऑब्वियसली लास्ट में नो फॉर इफ इन एनी केस हमने आंसर फाइंड आउट नहीं किया और रिटर्न नहीं किया, ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सिंपली पुट अ थम्स अप इन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू हैवन डन येट, ओके, एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड एंड शेयर दिस प्ले लिस्ट ऑल्सो इफ़ योर एनी ऑफ योर फ्रेंड और यू इंक्लूडिंग यू आर लर्निंग ग्राफ थ्योरी, सो यू कैन सिंपली वॉच दिस प्ले लिस्ट, फॉर दैट यू कैन रेफर दिस प्ले लिस्ट एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.